नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अल्प्रैक्स 0.25 mg टैबलेट के बारे में बताऊंगा। ये जो अल्प्रैक्स 0.25 mg टैबलेट मार्केट में आती है, टोरेंट कंपनी की आती है। 15 गोली का टैबलेट का पैक रहता है। ये जो 15 गोली का टैबलेट का पैक मार्केट में आता है, उसकी कीमत रहती है 20 रुपये, यानी 20 रुपीज़। तो पूरी जानकारी लेंगे दोस्तों, ये दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले हैं। दोस्तों, इसके अंदर अल्प्राजोलम 0.25 mg सिंगल कंटेंट है, सिंगल इंग्रेडिएंट है। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, ये जो अल्प्राजोलम इसका कंटेंट है, ये क्या चीज़ के लिए चलता है। तो ये जो अल्प्रैक्स 0.25 mg टैबलेट मार्केट में आती है, मेनली यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पेनिक डिसऑर्डर एंड एंजाइटी। आपको पेनिक डिसऑर्डर की तकलीफ है, एंजाइटी की तकलीफ है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए ये दवा मेनली यूज़ की जाती है। और भी ये दवा आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सट्रीम फियर की तकलीफ है, और उसकी वजह से टेंशन ड्यू टू स्ट्रेस, और आपको अगर टेंशन आ जाता है स्ट्रेस की वजह से, तो उससे छुटकारा पाने के लिए भी ये दवा यूज़ की जाती है। यानी आपको कुछ स्ट्रेस आ रहा है, कुछ टेंशन है, कुछ भीति लग रही है, कुछ भय लग रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए भी ये दवा यूज़ की जाती है। दोस्तों, ये दवा आपको टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही है, आपको स्लीपीनेस नहीं आ रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, तो नींद आने के लिए भी ये दवा यूज की जा सकती है। आपका स्ट्रेस कम करके आपको नींद लगती है, स्ट्रेस कम करता है, एंजाइटी कम करता है, आपका फियर कम करता है। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन कंपनी ने किया है। दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, ये दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, ये दवा की वजह से आपको लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, ड्राउजीनेस आ सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। ये दवा की वजह से आपको हेडेक जैसी शिकायत हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, स्लीपीनेस आ सकता है। ये दवा की वजह से वेट लॉस हो सकता है, हर्टबर्न भी ये दवा की वजह से हो सकता है, और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नजर आती है, तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं। इसके डोसेज के बारे में देखेंगे, कैसा लेना है, कैसा यूज़ करना है। जनरली इसको 2 टाइम इन अ डे, दिन में से 2 बार आप इसको ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार। डोसेज के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। तो आपको नींद नहीं आ रही है, आपको टेंशन है, फियर है, एंजाइटी है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए दवा मेनली यूज की जाती है। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।